Hello everyone, good morning and welcome back to the 247. My name is Sonu and this is our daily current affairs show. So, आज के show में मैं अगेन आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ important questions जो आपके आने वाले examination के लिए most important हैं. Okay? तो आज के हम session को शुरू करेंगे and very good morning to all of you who are present here, who are watching this session live. Okay? So, चलिए हमारा देखते हैं आज का जो हमारा quote है वो है, चमत्कार खुद नहीं होते, ये कठिन परिश्रम चमत्कार दिखाते हैं. यानी आप ये सोच रहे हैं कि आपके साथ कोई जादू हो जाए जब आपका सिलेक्शन हो जाए, या फिर लाइफ में कोई भी चीज़ जो होती है वो बिना सक्सेस बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है. हर गोल को अचीव करने के लिए आपको वहाँ पर हार्डवर्क करना ही पड़ेगा. सो दिस इज़ अ कोट फॉर टूडे जिसमें आपको बस बताया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं देन यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर दैट. ठीक है, और आपको बाकी लोगों से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, बाकी लोगों से कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पर अपना गोल अचीव कर पाएं. यहाँ पर जितने भी लोग आ चुके हैं वो सेशन को यहाँ पर लाइक कर सकते हैं. फिर हम देखेंगे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द पुलिस ऑफिसर हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस मेडल 2019 फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस. करेज और सेक्रीफाइस के लिए यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग जो प्राइज़ है वो किसको दिया गया है करेज और सेक्रीफाइस के लिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है वो क्या है. अब देखिए यहाँ से जो आपको आंसर याद रख लेना है, जो एक नाम याद रखना है वो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज़ जितेंद्र कुमार. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. उनको दिया गया है यूनाइटेड नेशंस मेडल फॉर 2019 एंड वो कैसे दिया गया, उनको पोस्टमॉर्टली दिया गया है, उसका मतलब होता है उनकी डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ के बाद उनको ये अवार्ड दिया गया है. सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है. आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है टोटल कितनी पर्सनैलिटीज़ को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है. सो टोटल वहाँ पर 119 पीपल जो होंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा, जिनमें से इंडिया की तरफ से एक कौन है, जितेंद्र कुमार हैं. आपको यहाँ पर ये याद रखना है उनको जो अवार्ड दिया जाना है उसका नाम ये है. ओके, सो ये जो नाम है, इस नाम का जो मेडल है वो उनको दिया जाएगा. ये देगा कौन, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. विच डे इज चोजन एज द एंटी टेररिज्म डे, किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है एंटी टेररिज्म डे. देखो एंटी टेररिज्म डे जो है वो डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है. किसकी डेथ एनिवर्सरी पे, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी पे. ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए वो मनाया किस दिन जाता है, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 21 मई. 21 मई को क्या होता है, एंटी टेररिज्म डे होता है, जो क्या बताता है, टेररिज्म से हमें लड़ना है, यानी हमें टेररिज्म को क्या करना है, ख़त्म करना है. सो दिस वॉज द एम ऑफ दैट पर्टिकुलर डे. यहाँ पर आप इसका इमेज भी देख सकते हैं, 21 मई इज ऑब्जर्व एज अ एंटी टेररिज्म डे. ओके, सो यहाँ पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बिकम कंट्रीज बिगेस्ट कंपनी बाय द रेवेन्यू. रेवेन्यू अगर आप इंडिया में देखोगे तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है. दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू. रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, या फिर वो विप्रो है. तो अगर आपको पता हो पहले जो थी वो क्या थी, ऑप्शन नंबर बी था, दैट इज़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन. लेकिन अब इसको ओवरटेक किया है, किसने ओवरटेक किया है इसको, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर. अब आपसे पूछा जा सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उसने किसको ओवरटेक किया, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आप यहाँ पर बता देंगे. देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस कम हैं. क्यों कम है, क्योंकि ये वाला डाटा जो है वो बार बार चेंज होता रहता है, तो आपको ज़रूरी है आप इस डाटा से क्या रहें, अपडेटेड रहें. टोटल अगर आपसे रेवेन्यू पूछा जाएगा तो आप 6.23 लाख करोड़ जो है वो बता देंगे किसका रेवेन्यू है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रेवेन्यू है. सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी जो है यहाँ पर वो क्या है, हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है. दिखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नीति आयोग ने एक कैबिनेट नोट लॉन्च किया है, सर्कुलेट किया है एस्टेब्लिश करने के लिए रावत. अब ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है. इसके लिए नीति आयोग पूरा एक अमाउंट प्रोवाइड करने वाला है. आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो टोटल अमाउंट कितना प्रोवाइड किया जाएगा टू एस्टेब्लिश एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म. सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. अगेन आपको यहाँ से अमाउंट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट से रिलेटेड जो आपके नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं आपके SBI PU एग्जामिनेशन में. सो द करेक्ट आंसर हियर इज
ऑप्शन नंबर डी दैट इज 7500 करोड़। 7500 करोड़ जो है वो प्रोवाइड करने वाला है कौन? नीति आयोग इस प्रोजेक्ट के लिए। अब नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत जो हैं वो सीईओ हैं किसके? नीति आयोग के। वाइस चेयरमैन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप राजीव कुमार बता देंगी। और चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो नीति आयोग के क्या हैं? चेयरमैन है इस टाइम पर। अब नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई जस्ट होप कि इसका आंसर सबको ही पता होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? RISAT-2B वो सैटेलाइट है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है इसको कौन सी स्पेस एजेंसी ने यहाँ पर लॉन्च किया है। देखो यहाँ पर जो स्पेस एजेंसी है जिसने इसको लॉन्च किया है वो क्या है? इसरो है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। इसरो की हेड का नाम क्या है? के शिवन है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अब यहाँ पर आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि RISAT जो है उसका पूरा नाम क्या है, तो आप बता देंगे रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ओके, सो रडार इमेजिंग सैटेलाइट जो है इसका पूरा नाम है। इसको जो लॉन्च किया था वो PSLV-C46 से लॉन्च किया गया है। ओके, सो ये रॉकेट व्हीकल जो था उससे उसको लॉन्च किया गया है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, अब 5 में से ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ऑथर हु वन द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। यहाँ पर प्राइज आना चाहिए था। ओके, फॉर सेलेस्टियल बॉडीज। अब सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो एक बुक का नाम है, उसके लिए किसको, कौन से ऑथर हैं जिनको मैन बुकर प्राइज मिला है? तो यहाँ पर उन ऑथर का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज जोखा अलहार्थी। जोखा अलहार्थी जो है उनको सेलेस्टियल बॉडीज के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है? मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया है। आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि वो कहाँ से बिलोंग करती है? वो ओमान से बिलोंग करती हैं। और जो सेलेस्टियल बॉडीज जो है ये बुक है आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। इसमें पूरी एक स्टोरी दी गई है 3 सिस्टर्स के बारे में। अब यहाँ पर इनके साथ में एक और पर्सन है जिनको ये अवॉर्ड दिया गया है इसी सेम बुक के लिए, इसका ट्रांसलेशन करने के लिए। उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? मैरिलीन है। ठीक है, तो मैरिलीन और जोखा अलहार्थी को दिया गया है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, सो यहाँ पर आप बता सकते हैं मुझे व्हाट इज़ द कैपिटल एंड द करेंसी ऑफ ओमान। ओमान की कैपिटल और करेंसी क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इमेज है वो जोखा अलहार्थी का इमेज है। और यहाँ पर आप बुक का फ्रंट कवर भी देख सकते हैं, स्लैशर बॉडी जिसमें ये 3 सिस्टर्स हैं उनका इमेज दिखाया गया है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इंडियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय व्हाट परसेंट इन 2020 में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कितने परसेंट इंक्रीज होने वाला है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछा जा रहा है। देखो पहले जो एस्टिमेशन किया गया था उसमें यूनाइटेड नेशन ने 7.4% बोला था, लेकिन अभी वो 7.4% जो है उसको कम कर दिया गया है एस्टिमेशन को। और अब कितना एस्टिमेशन लगाया है यूनाइटेड नेशन से? 7.1%। यानी यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इंडिया का कितना ग्रोथ होने वाला है 2020 में? 7.1% होने वाला है। यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1949 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताइवान एक्सपो 2019 बिगेन इन विच सिटी? ताइवान एक्सपो जो है वो शुरू हो चुका है, क्या वो इंडिया में शुरू हुआ है या फिर ताइपी में है, शंघाई में है या फिर सियोल में है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ताइवान एक्सपो 2019 जो है वो इंडिया में शुरू हुआ है, और इंडिया में कहाँ पर शुरू हुआ है? वो हुआ है न्यू दिल्ली में। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि ताइवान जो है उसकी कैपिटल क्या है, तो आप क्या बता देंगे? ताइपी इज़ द कैपिटल ऑफ ताइवान एंड द करेंसी इज डॉलर। यहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर है। सो ताइवान, ताइपी, डॉलर आपको यहाँ पर याद रख लेना है। यहाँ पर देखो जो मेन फोकस किया गया था वो वहाँ के प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस किया गया। प्रोडक्ट्स कैसे हो सकते हैं? जो हमारे जनरल यूज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर वहाँ पर पूरे एक्सपो में वो सारी चीज़ें रखी गई थी। सो यहाँ पर आप पूरा इमेज भी देख सकते हैं, ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली जो इसका वेन्यू रहा है। मई 16 से मई 18 तक पूरा ये एक्सपो चला है, और ये कहाँ पर हुआ है? इंडिया में हुआ है। तो आई होप ये इमेज देखने के बाद ये आप कभी नहीं भूलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सो विच डे इज़ ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए इंटरनेशनल डे जो है वो कब मनाया जाता है? ABCD ऑप्शन में से
अब इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मई को. ओके, सो यहाँ से आपको जो पता होना चाहिए 22 मई याद होना चाहिए. अब इसका थीम भी देख लेते हैं. देखो आपके यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट डेज आ रहे हैं, काफ़ी डेज के बारे में हम बात कर चुके हैं, डेफिनेटली इन सारे डेज को आने वाले जो सेशंस हैं उसमें कवर करेंगे, जिसमें आपको स्टैटिक अवेयरनेस का क्लास रख लूँगी. इसमें आपके सारे मई से रिलेटेड जितने भी डेज होंगे उनको हम रिवाइज कर लेंगे. एंड आई जस्ट होप कि आपने जो कल 4 PM क्लास हुआ था बैंकिंग अवेयरनेस का, वो हमारा फर्स्ट क्लास था, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको सारी चीज़ें वहाँ समझाई हैं, तो आई होप वो आपने क्लास भी देखा होगा. तो यहाँ पर हमारा जो आप देखेंगे स्लाइड में, अवर बायोडाइवर्सिटी, अवर फूड एंड अवर हेल्थ, इट वाज अ थीम. ये थीम था किसका था, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का था. कौन मनाता है इसको, यूनाइटेड नेशंस मनाता है. ओके, सो 22 मई ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही होंगी, तो आई होप ये आप नहीं भूलेंगे. ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमी शोर पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विचफील्ड. देखो कोई भी ओबिटरी आती है, कोई भी डेथ होती है, अगर वो फेमस पर्सनैलिटी है तो डेफिनेटली आपको याद ही रखना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज कॉमेडियन. ही वॉज अ कॉमेडियन. सैमी शोर जो है उनका इमेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो क्या थे, एक कॉमेडियन थे. ओके, सो यहाँ पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. फेसबुक रजिस्टर इट्स न्यू फिनटेक फॉर्म लिब्रा नेटवर्क LLC इन विच सिटी. फेसबुक ने अपनी अलग से एक फिनटेक फॉर्म जो है उसको शुरू किया, जिसका नाम लिब्रा है. आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कौन सी सिटी में एस्टेब्लिश की गई है. सो यहाँ पर जो हमें याद रखना है वो स्विट्ज़रलैंड याद रखना है. स्विट्ज़रलैंड में कहाँ पर है, जेनेवा में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर. अब जेनेवा में किसका हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी तो कहाँ है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है. तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए. आज का हमारा फाइनल जो क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीकन वुमेन टू कॉन्कर द माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, उसको क्लाइंब करने वाली पहली साउथ अफ्रीकन वीमेन कौन बन गई हैं. देखो इन्होंने चार बार क्लाइंब करने के लिए ट्राई किया और फाइनली वो वहाँ पर सक्सेसफुल हुई हैं. तो उनका जो नाम है वो शेरिक खुमालो हैं. सो शेरिक खुमालो जो है उनका नाम, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर. उनका आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं, शी इज़ मोटिवेशन फॉर मैनी पीपल. आप इनसे एक मोटिवेशन ले सकते हैं कि बार बार फेल होने के बाद भी इन्होंने ट्राई करना नहीं छोड़ा और वो लास्ट में 5वीं बार में बिल्कुल सक्सेसफुल यहाँ पर हो गई हैं. ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप समझेंगे यहाँ पर कि अगर आप ट्राई करते रहेंगे लाइफ में, कोशिश करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो डेफिनेटली आपकी एक ना एक दिन जीत जरूर होती है. ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ में हार नहीं माना है. अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप यहाँ पर सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर सकते हैं. आपके यहाँ पर जितने भी मार्क्स आए हैं, 12 out of 12 कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं क्लास के ख़त्म हो जाने के बाद में. ओके, सो ऐसे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, पूरा मेहनत करते रहिए और डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा होगा. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर SBI PU एग्जामिनेशन जो बिल्कुल आने वाला है. ये टाइम बस ऐसा है कि अपनी पूरी तैयारी में लगे रहो और डेफिनेटली आपको अभी डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट देना जरूरी है. अपनी मॉक टेस्ट लगाना मत छोड़ना. ओके, तो थोड़ा प्रैक्टिस पे अभी ज़्यादा फोकस करो बेसिक सीखने के बजाय. ठीक है, बेसिक सीखने का टाइम अभी जा चुका है. SBI PU है, उसके लिए आपको अभी प्रैक्टिस करना है. ओके, तो अब अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. PDF भी इसका अवेलेबल हो जाएगा 9-10 बजे तक. ओके, सो गुड बाय एंड टेक केयर.